नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन ये क्वेश्चन कौन सा है, फीफो मेथड से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना गिवन है, 8000 यूनिट एट रुपीज 75000। आपने ऑब्जर्व करा जो अमाउंट है 75000 उसका बाइफरकेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि 75000 को ऐसे करके दे देते वो कि मटेरियल लेबर और ओवरहेड ऐसा करके भी वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा है, टोटल एग्रीगेट अमाउंट देकर रखा है। उसका कारण ये है कि फीफो मेथड में बाइफरकेशन की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है ना। ओके, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है मटेरियल का 100% और लेबर और ओवरहेड का 60%। इनपुट कितना करा है अपन ने, 182000 यूनिट, उसका अमाउंट है 737500। वेजेस पेड कितना है, 340600। ओवरहेड गिवन है, यूनिट स्क्रैप्ड 14000 यूनिट, और यूनिट स्क्रैप्ड मतलब लॉस, यूनिट स्क्रैप्ड मतलब लॉस है ना। लॉस का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है, कितना गिवन है, मटेरियल कितना लग गया था जब लॉस हुआ, 100% लग चुका था। वेजेस ओवरहेड 80% लग चुका था, है ना। वेजेस ओवरहेड का परसेंटेज अक्सर साथ में दिया जाता है, आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो कि वेजेस भी 80% लग गया था और ओवरहेड भी 80% लग गया था, है ना। ओके, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या है, 18000 यूनिट, ठीक है, और उसका परसेंटेज गिवन है मटेरियल पूरा लग गया था और वेजेस ओवरहेड 70%। ठीक है, जो कंप्लीट यूनिट हुई है और जो अगली प्रोसेस में गई है वो कितनी है, 158000, 158000। नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। ठीक है, स्क्रैप बिकेगा किस रेट से, 5 पर यूनिट के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, और कहां से एडजस्ट करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से एडजस्ट करना है, वैसे भी वहीं से करते हैं। ठीक है, अब फीफो मेथड से हमें सारी चीजें निकाल कर बतानी है। उन्होंने कम पूछा है पर अपन तो पूरा ही बताएंगे, अपन को अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा ही करना है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं आंसर पर। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, प्रोसेस अकाउंट बनाया है, प्रोसेस अकाउंट बनाया है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट को एक बार देख लेते हैं क्या है, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट पूरा फॉर्मेट प्रॉपर बनाया है। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 8000 यूनिट, ठीक है, उसका अमाउंट था 75000। इनपुट करा है हमने 182000 यूनिट और उसका अमाउंट दिया है 737500। वेजेस गिवन है, ओवरहेड गिवन है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, नॉर्मल लॉस 5% 9500 निकलेगा, काय का 5% निकाला है, 190000 का है ना। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 18000 यूनिट्स, प्रोसेस टू में जो गई है वो 158000 है, इसका मतलब 4500 यूनिट कहाँ गई भाई, 190000 टोटल हो रहा है और उसमें से 9500 का नॉर्मल लॉस, 18000 का क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, प्रोसेस टू में चलेगी 158000, तो बाकी कहाँ गई, तो वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस। इसलिए मैंने यहां लिखा है बैलेंसिंग फिगर। आप देखिए यूनिट का टोटल अब मैच हो रहा है, अमाउंट का देखें तो डेबिट का टोटल आ गया है, क्रेडिट का तो हमें करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप 5 रुपए के हिसाब से बिकना है तो 9500 × 5 47500 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का अमाउंट कितना आएगा, प्रोसेस टू में जो यूनिट गई है उनका अमाउंट कितना आएगा और एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना आएगा। मतलब ये तीनों वैल्यूएशन हमें करके बताना है, और सब करने के बाद अगर टोटल यही आ जाए जो डेबिट में आ रहा था तो इसका मतलब अपन मान लेंगे कि अपन ने क्वेश्चन सही करा है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गया, यहां ध्यान से थोड़ा, ये स्टेटमेंट होता है यूनिट्स का, है ना, अधूरी यूनिट को पूरी यूनिट्स में कन्वर्ट करने वाला स्टेटमेंट ये होता है ना। ठीक है, सबसे पहले इनपुट फिर आउटपुट। इनपुट में ओपनिंग डब्ल्यू आई पी से 8000 यूनिट आई थी और जो न्यू इनपुट करी थी वो थी 182000। आउटपुट की बात कर लेते हैं तो पर्टिकुलर्स यूनिट्स प्रोसेस टू में जो गई, सबसे पहले हमें किसको निपटाना है, जो यूनिट अगली प्रोसेस में गई है। क्यों सर, पहले उनको क्यों निपटाना है, क्योंकि फीफो मेथड में अलग टाइप का कैलकुलेशन उन्हीं यूनिट्स का है जो आगे ट्रांसफर हुई, बाकी सब तो वैसे भी सेम चलता है। तो प्रोसेस टू में टोटल गई है 1,58,000 यूनिट, तो 8000 जो है वो पहले ओपनिंग डब्ल्यू आई पी वाली लेंगे हम,
1,58,000 मतलब 1,58,000 अगर यूनिट कंप्लीट हुई हैं तो फीफो मेथड के हिसाब से पहले पहले वाली कंप्लीट हुई होंगी, तो 8,000 ओपनिंग WIP कंप्लीट हुई होंगी, और बची हुई 1,50 कहाँ से आई होंगी, इनपुट में से, मतलब 1,82,000 में से 1,50 कंप्लीट हुई होंगी। ठीक बात है, ये नई बात होती है फीफो मेथड में, यही नया होता है कि आप जो यूनिट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं उसको बाइफरकेट करके दिखाते हैं। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। नॉर्मल लॉस कितना है, 9,500, एबनॉर्मल लॉस 4,500, क्लोजिंग WIP 18,000। अच्छा, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वैसे ही है जैसे वेटेड एवरेज मेथड में था, इसमें कुछ नया नहीं है, आपको कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है। जैसे नॉर्मल लॉस में डैश लगाते थे, डैश ही लगाया है, मतलब लिखते ही नहीं थे। एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज जो गिवन होता है वो परसेंटेज हम लिखते हैं, और उसके हिसाब से जो यूनिट आती है वो यूनिट हम लिख देते हैं। जो क्लोजिंग WIP है उसमें भी वही करते हैं, जो परसेंट गिवन होता है वो लिख दो और उसके हिसाब से जो यूनिट आ रही है वो आप लिख दो। तो ये तो सब पहले ही जैसा हो गया, नया क्या है, नया है कि जो यूनिट आगे ट्रांसफर हुई है उसको बाइफरकेट करके लिखना है। ठीक बात है साहब। तो जब ओपनिंग WIP की हम बात करते हैं तो उसमें हम लेते थे इस बार का परसेंट, बचा हुआ परसेंट, है ना। जैसे मटेरियल पहले ही पूरा लग चुका था तो अब कितना लगेगा, इस बार बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब मटेरियल के एंगल से पूरा काम पिछली बार ही कंप्लीट हो गया था, तो इस बार मटेरियल लगाना पड़ेगा क्या अधूरी यूनिट्स पर, नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये जीरो और जीरो। लेबर 60% पहले लग चुका था तो इसका मतलब अब कितना लगना है, बचा हुआ 40% लगना है। ठीक बात है। और सिमिलरली ओवरहेड भी, पहले हम कितना लगा चुके थे 60%, तो अभी कितना लगना है 40%। तो एक तरीके से हम बचा हुआ परसेंट ले रहे हैं प्लस इससे बची हुई यूनिट ही निकल रही है। ठीक बात है। तो 8,000 यूनिट पर 40% के बराबर लेबर के एंगल से काम हुआ है, तो मतलब लेबर के एंगल से 3200 यूनिट इस बार कंप्लीट हुई है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और यही बात मैं बोलूंगा ओवरहेड में। अच्छा, जो नए इनपुट से बनी है, मतलब 1,50,000 जो यूनिट है वो तो न्यू इनपुट से बनी है, उसमें तो पूरा मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ इस बार ही लगा होगा, तो मतलब 100% 100% 100%, इसलिए 1,50 और 1,50 यूनिट्स। बोलो यारो, तो नई बात क्या है, समझ में आई आपको? ओके, देखा जाए तो क्रक्स 1,00,000 की जो यूनिट्स हमने निकाली है वो सब किस बार की है, वो इस बार की है, क्योंकि पिछली बार जो काम हो गया था वो तो हमने कंसिडर किया ही नहीं है, हमने केवल इस बार की यूनिट्स ली है। ठीक है, फीफो मेथड दोनों चीजों को अलग करता है, बोले पुराना अलग करो नया अलग करो। वेटेड में हम क्या करते थे, बोले सब मिक्स कर दो, कोई जरूरत नहीं है अलग अलग करने की, सब एक बराबर है, ऐसा वेटेड एवरेज मेथड कहती है, पर फीफो में तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी यहां पर देख लो, टोटल कर दिया 1,72,500, 1,69,400 और 1,69,400। ओके, और अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तीन टाइप की यूनिट्स हैं तो तीन टाइप की कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, मटेरियल की यूनिट्स अलग हैं, लेबर की अलग हैं, ओवरहेड की अलग हैं, तो तीनों का कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। ओके, ध्यान देने वाली बात, नई बात जो वेटेड एवरेज मेथड से फीफो मेथड में अलग है, वो ये है कि ओपनिंग WIP को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओपनिंग WIP का अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखना सर, बताओ क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपने ओपनिंग WIP की जो यूनिट पिछली बार कंप्लीट हुई थी वो भी नहीं ली, पिछली बार वाली यूनिट भी नहीं ली, आपने इस बार का परसेंट लिया था, मतलब इस बार की यूनिट ही आपने ली, तो इस बार की यूनिट से तो अमाउंट भी, मतलब खर्चा भी इसी बार का होना चाहिए। ठीक बात है सर, वो पुराने खर्चे का क्या करेंगे, फिर पुराना खर्चा अलग से जोड़ेंगे। ठीक बात है, तो ओपनिंग WIP नहीं आएगा एग्जाम में, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखने की जरूरत, मतलब एक अपन को ध्यान में रहे कि यार ये नहीं लिखते हैं। करंट कॉस्ट, ये रहा मटेरियल लेबर ओवरहेड का करंट कॉस्ट लिख दिया अपन ने, फिर स्क्रैप माइनस कर दिया काय में से, मटेरियल में से 47,500 का स्क्रैप माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट क्या आ गया आपके, 6,90,000, 3,40,600 और 1,70,300 यूनिट्स जो निकाली थी उससे डिवाइड कर देते हैं, 1,72,500, 1,69,400, 1,69,400, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 4,2.0106 और 1.0053। ओके, ये आ गई हमारी कॉस्ट पर यूनिट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर हम मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले किन को निपटाएंगे हम, सबसे पहले उन चीजों का वैल्यूएशन कर देते हैं जो वैसे ही है जैसे कि वेटेड एवरेज मेथड में थी। कौन सी चीजें, क्लोजिंग WIP, वही मटेरियल लेबर ओवरहेड, तीनों की यूनिट। सर ये यूनिट कहां से उठाते हैं, यूनिट वाले स्टेटमेंट से। सर वो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है यूनिट वाला स्टेटमेंट। और जो कॉस्ट पर यूनिट निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सारे अमाउंट्स आएंगे, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,10,000। ओके,
और अब चलते हैं एबनॉर्मल लॉस पर। एबनॉर्मल लॉस भाई मटेरियल की यूनिट ले लो, लेबर की और ओवरहेड की, ये आ गई 4500, 3600 और 3600। कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएंगे आपके अमाउंट, और टोटल आ जाएगा 28,865। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा राउंड अप कर के रखा है, आप भी कर लेना है ना अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, 2-4-10 रुपये का डिफरेंस तो आना ही है। ओके, तो सर ये ग्रीन से क्या, अगर आपने वो वाला काम कर दिया जो वैसे भी वैसे ही होता था जैसे वेटेड एवरेज मेथड में होता है, वही फीफो में, कुछ भी अलग नहीं है। सर जो यूनिट अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुई है उसका वैल्यूएशन सबसे स्पेशल होता है यहाँ पर। तो देखिए स्पेशल क्या है, पहले तो अपन उन यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो यूनिट्स कंप्लीटेड फ्रॉम न्यू इनपुट, नए इनपुट में से जो कंप्लीट हुई है वो कितनी थी, 1,50,000। उसको तो सीधा 7.0159 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगा। सर ये 7 कहाँ से आया, ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट को जोड़ दीजिए आप, 4, 2 और 1 इन सबको जोड़िए तो यही आएगा 7.0159। ठीक बात है, अब ओपनिंग WIP में यूनिट्स कितनी थी बताइए बताइए। तो जो भी यूनिट थी वो ओपनिंग WIP के उसके दो पार्ट होंगे, उसके खर्चे के दो पार्ट हम करेंगे। ठीक बात है साहब, बहुत अच्छा, दो पार्ट करेंगे। अच्छा यहां पर एक मिनट, ओपनिंग WIP की 8,000 थी, हाँ ठीक है, ओपनिंग WIP की यूनिट यहां लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, ये 8,000 यूनिट मैंने यहां पर लिख दी है। तो टोटल 1,50 का हिसाब यहां हो गया, 8,000 यूनिट की कॉस्ट का हिसाब यहां पर हमें करना है। तो एक तो इसमें ओल्ड कॉस्ट है जो ऑलवेज गिवन होती है 75,000, ये हमने लिख ली, और कॉस्ट इनकर्ड, ध्यान से सुनना, कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट पीरियड ऑन ओपनिंग WIP, कॉस्ट इनकर्ड इन करंट पीरियड ऑन ओपनिंग WIP। ठीक है, ओपनिंग WIP पे इस बार खर्चा कितना हुआ, मटेरियल यूनिट्स एक भी नहीं बनी इस बार, पिछली बार ही पूरी मटेरियल की यूनिट लग गई थी, या मटेरियल एक तरीके से पूरा पिछली बार ही लग गया था, इनटू कॉस्ट पर यूनिट करोगे आंसर 0 ही आएगा। लेबर, लेबर की यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड, ओवरहेड की यूनिट ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट। सर ये यूनिट कहां से उठाते हैं, अगेन बोल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हम ये यूनिट उठाते हैं, ये आ जाएंगे आपके अमाउंट्स। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9650। तो देखा जाए तो 75,000 और 9650 ये हो जाएगा आपका ओपनिंग WIP का पुराना और नया सब खर्चा मिलाकर, और ये हो जाएगा न्यू यूनिट जो मतलब हमारे इनपुट में से कंप्लीट हुई थी उनका खर्चा, सब जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो अमाउंट आएगा 11,37,035। अब क्या करो, ये सारे अमाउंट 11,37,035, इधर एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट 28,865 और अपना क्लोजिंग WIP का अमाउंट 1,10,000, इन सबको उठाकर क्या करो, प्रोसेस अकाउंट में पुट कर दो और फिर टैली करके देख लो, अगर यही आ जाए तो समझ जाना ये अटेम्प्ट हमारा है। ओके, अच्छा इसमें कुछ और भी डाउट आ सकते हैं। देखो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जैसे कभी कभी आप देखना फीफो मेथड में अंतर क्या होता है, अलग क्या होता है, अगर आप यहाँ ओपनिंग WIP के जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है वो लिख देते हो, सपोज आप लिख देते हो कुछ तो भी आप यहाँ लिखते हो, सपोज 10,000, 20,000 जो भी है अमाउंट यहाँ पर लिख देते हो आप, फिर क्या होगा, ओपनिंग WIP की सारी कॉस्ट ले ली आपने, फिर करंट कॉस्ट आपने ले ली, दोनों जोड़ दी, ठीक है, इधर स्क्रैप को एडजस्ट कर दिया, अब जो कॉस्ट आई वो पुरानी और नई मिलाकर है, ठीक है, और मान लो यूनिट्स भी आपने कौन से ले लिए, सब ले लिए, पुराने वाले नए वाले सब ले लिए, तो बेटा पूरी कॉस्ट ले ली, पूरे यूनिट्स ले ली, तो फिर जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नहीं आ जाएगी, वो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नहीं आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, वेटेड एवरेज यही तो करता है भाई, हमने 1,000 यूनिट 5 के हिसाब से खरीदी, फिर 1,000 यूनिट हमने 6 के हिसाब से खरीदी, तो वेटेड क्या कहता है, पूरी कॉस्ट जोड़ दो तो और पूरी यूनिट से डिवाइड कर दो, तो ऐसा मान लो कि 2,000 यूनिट 5.5 के हिसाब से खरीदी, ऐसा वेटेड एवरेज बोलता है, पूरी सारी कॉस्ट जोड़ो सारे यूनिट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन हमें वो तो करना नहीं, हमें तो पुरानी को अलग रखना है नई को अलग रखना है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग WIP कॉस्ट को लिखते ही नहीं है, ओपनिंग यूनिट्स को मतलब पुरानी वाली जो यूनिट्स को लिखते ही नहीं, इस बार की कॉस्ट को इस बार की यूनिट से डिवाइड करके और कॉस्ट पर यूनिट को निकालते हैं, और पुरानी कॉस्ट का क्या करते हैं सर, अलग से ऐड करते हैं ओपनिंग WIP में, देखो ये करा है हमने ऐड। ठीक बात है, सभी में बांटकर वेटेड एवरेज नहीं निकालना है ना। ओके,